नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शर्मा रोड सेफ्टी फाउंडेशन मुंबई के भिवंडी ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं वेस्ट बंगाल से आए हमारे स्टूडेंट, उनसे जानेंगे उनका फीडबैक कैसा। वो अभी 5 दिन से फोर्टिव रिस्ट्रक सीख रहे हैं और आर्टिकुलेटेड फोर्टिव सीख रहे हैं। तो 5 दिन में उन्होंने कैसा सीखा, कैसा उन्हें एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, कैसा यहाँ फैसिलिटी मिली और कैसे यहाँ के टीचर सिखाते हैं, हम इसके बारे में उनसे एक फीडबैक लेंगे। तो नमस्कार संतु, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर अभी रिस्ट्रक सीखते हुए, और पहली बात आप कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आया है। कोलकाता से आप आए हैं? हाँ, हमारा गांव का नाम है उलेवरिया। ओके, इलेवरिया। उलेवरिया, उलेवरिया। तो उलेवरिया से संतु आए हुए हैं वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में कोलकाता के नजदीक से, और ये यहाँ रिस्ट्रक और ये AFL मशीन सीखने आए हुए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी ऑलरेडी, तो इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। तो ये आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो वीडियो दूसरा बनाया था उसमें आपने मुझे आर्टिकुलेटेड फॉरक्लिप चला के AFL चला के दिखाई थी। तो ये जो रिस्ट्रक आप जो सीख रहे हैं ये भी आपको राजेंद्र सर सिखाते हैं? हाँ सर। तो रिस्ट्रक के हिसाब से ये कौन सा रिस्ट्रक है आपको मालूम है? ये सिंगल डिप है या डबल डिप है? डबल डिप है, सिंगल डिप है, दोनों है। तो ये रिस्ट्रक की खासियत है, ये सिंगल डिप नहीं है, ये डबल डिप रिस्ट्रक है। डबल डिप रिस्ट्रक का काम क्या रहता है? इसमें एक्सटेंशन फोर्क लगे रहते हैं। इसका काम क्या है? अगर दो रह के आजू बाजू में एक के पीछे एक लगे हुए हैं तो इसकी खासियत रहती है, इसका जो पहले आप अंदर वाले रैक में मेटल को चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप पीछे वाले रैक में भी मेटल को चढ़ा सकते हैं। तो जो डबल डिप रिस्ट्रक चलाना जानता है उसको एक बेनिफिट रहता है, वो सिंगल डिप का भी प्रैक्टिस हो जाता है और अंदर वाले रैक में भी मेटल चढ़ा सकता है। तो संतु, मुझे आप बताएंगे कैसा मशीन कैसा है हमारा, ये जो रिस्ट्रक आप चला रहे हैं इसकी कंडीशन कैसी है? भलो है सर। भलो है, अच्छी है। हाँ, अच्छी है। तो ये मशीन का मेंटेनेंस आप जब से आए, ये मशीन चालू है या ब्रेक डाउन है, कुछ खराब होती है? चालू है, कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। तो मशीन कंडीशन हमारी अच्छी है। और ये ट्रेनिंग सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रेनिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ट्रेनिंग के हिसाब से एकदम वेयर हाउस के जैसा है? हाँ, वेयर हाउस का तो है, वेयर हाउस जैसा ही एकदम। तो ये ट्रेनिंग सेंटर को आप 5 में से मार्क्स देना चाहेंगे तो कितने देना चाहेंगे? हम 4 देना चाहेंगे, क्यों? एक नंबर हम फ्लोर के लिए कर रहे हैं। अच्छा, फ्लोर के लिए। वैसे तो फ्लोर कंडीशन ठीक है, फिर भी एक मार्क्स आपने फ्लोर के लिए कट कर दिया है, थैंक यू सो मच। और हमारे राजेंद्र सर को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 5 से सर, 5 ही देना है। 5 में से 5 देना चाहेंगे। तो आप 5 दिन से रिस्ट्रक सीख रहे हैं, तो आज हमें आप रिस्ट्रक चलाकर दिखाएंगे? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये 5 दिन से सीख रहे हैं, तो आप मेटल को उठा के, पैलेट को उठा के सिंगल डिप में आप चढ़ा के दिखाइए। डबल डिप आपसे जब आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट होगा दोबारा एक बार देखेंगे। चलिए, चालू हो जाइए। मशीन ऑन कर रहे हैं? मशीन ऑन कर रहे हैं आप, वेरी गुड। मशीन ऑन कर दीजिए। मशीन चालू हो गई है इनकी।
तो अभी हमें रैक पर मेटल चढ़ा के दिखाएंगे। ये सिंगल डिप का रैक है, तो संतु सिंगल डिप के रैक के ऊपर मटेरियल चढ़ा के दिखाएंगे, बॉक्स चढ़ा के दिखाएंगे, पैलेट चढ़ा के दिखाएंगे। तो दोस्तों संतु कैसे गाड़ी चला रहे हैं आपने देखा, और इन्हें सिर्फ 5 दिन चलाते हुए सीखते हुए हुआ है। तो आप भी अगर रिस्ट्रैक ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक फैसिलिटी है, हमारे यहाँ जो रिस्ट्रैक है वो सिंगल डिप का नहीं है, हमारे यहाँ डबल डिप का रिस्ट्रैक है। डबल डिप का रिस्ट्रैक का एक बेनिफिट होता है, आप एक रैक में जो बाहर की तरफ है उसमें भी मेटल चला सकते हैं और अंदर वाले रैक में भी मेटल को एक ही जगह से चला सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में ज़्यादातर कंपनियाँ जो जगह बचाना चाहती हैं, क्योंकि जगह बहुत कॉस्टली है आज की डेट में, तो जो जगह बचाना चाहती हैं वो सिंगल डिप का रिस्ट्रक नहीं लेके आ रही हैं। आजकल ज़्यादातर कंपनीज में डबल डिप के रिस्ट्रक आ रहे हैं, तो अगर आप भी डबल डिप का रिस्ट्रक सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू संतु, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।